हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा चौहान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंदसली सिविलाइजेशन से ही भारत एक ऐसी जगह थी जहां पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा खजाना और डेवलपमेंट उस दौरान था। भारत में दोस्तों बसी हुई सभ्यता बाकी सभी सभ्यताओं से कई ज़्यादा आगे थी। और उस दौरान मैं आपको बता दूँ, अफगानिस्तान पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। ये जो प्रॉस्पेरिटी भारत के अंदर थी वही शुरू से कारण बनी डच, पुर्तगाली, पर्शियन और ब्रिटिशर्स के लिए कि वो हिंदुस्तान की धरती पर आए, ट्रेड करें, हमारा खजाना अपने मुल्क लेकर जाएं और हमारा फायदा उठाएं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आने वाली दोस्तों पहली कंपनी तो नहीं थी। इससे पहले पुर्तगाली, डच भारत में आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत के अंदर ट्रेड के पर्पज से आई थी। लेकिन दोस्तों, इन सब के आने में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। वो ये कि डच, पुर्तगाली, फ्रेंच कंपनीज, जितनी भी इनकी जो कंपनियां थी वो भारत में आई थी, भारत में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पर्पस के लिए ही आई थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली धीरे धीरे क्राउन रूल में चेंज हो गई और इन्होंने धीरे धीरे हम पे ही रूल करना स्टार्ट कर दिया, हमारे खजाने को खाली करना शुरू कर दिया। अब यहाँ से दोस्तों थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब मिडिल ईस्ट में खलीफा धीरे धीरे ग्रो कर रहा था और खलीफा का जो ऑटोमन एम्पायर था, उन्होंने धीरे धीरे सिल्क रूट, जो कि एकमात्र ऐसा रास्ता था जिसके थ्रू एशिया और नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री के बीच में ट्रेड होता था, उसे भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज़ को यहाँ पे टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा था क्योंकि यहाँ पे खलीफाओं का कंट्रोल आ गया था। इसलिए नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने खलीफाओं के ट्रेड कंट्रोल से बचने के लिए नया सी रूट खोजने की ठानी। पुर्तगाल के वास्को द गामा और स्पेन से कोलंबस इस नए सी रूट की खोज में निकलते हैं, जो कि हो तो इंडिया और अदर एशियन कंट्रीज़ के लिए ही रही थी, लेकिन दोस्तों यहाँ से कोलंबस सीधा अमेरिका पहुंच जाता है क्योंकि उस दौरान लोकेशन ट्रैकर्स तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो बेसिकली वो अमेरिका को डिस्कवर करते हैं और वास्को द गामा हिंदुस्तान को डिस्कवर करते हैं। और यही दो सबसे बड़ी डिस्कवरी हमारी हिस्ट्री की रही हैं, सबसे बड़ी डिस्कवरी इन्हें कहा जाता है। सबसे पहले पुर्तगाल भारत में आती है, उसके बाद डच कंपनी भारत में आती है और उसके बाद फाइनली भारत के अंदर एंटर होती है ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, ये कंपनी 31 दिसंबर 1600 में स्टैब्लिश हुई थी। 1608 में ब्रिटिश ने भारत के सूरत, जो कि गुजरात में लोकेटेड है, वहाँ अपने कदम रखे और इसकी परमिशन किसी और ने नहीं बल्कि खुद अकबर के बेटे जहांगीर ने ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक पर्सन विलियम हॉकिंस को दी थी कि वो आए और सूरत में अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करें। तो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत स्पाइसेस के ट्रेड के लिए ही आई थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं उस दौरान वेस्टर्न कंट्रीज स्पाइसेस का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती थी अपने खाने में, और स्पेशली ब्लैक पेपर, जो कि उनके मीट को प्रिजर्व करने के लिए सबसे ज़्यादा बेसिक कमोडिटी हुआ करता था। इसके अलावा बात करें तो कॉटन, ओपियम, टी, डाई, सिल्क और इंडिगो का ट्रेड करने के रीजन से भी वे भारत आए थे। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के ही प्रोविंसेस को कैप्चर करने शुरू कर दिए थे और सबसे बड़ी जीत जो उनकी रही वो थी नवाब ऑफ बंगाल सिराज उद्दौला को हराकर इन प्लासे के युद्ध में, जो कि 1757 में लड़ा गया था। उसके बाद दूसरी बड़ी जीत ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली बक्सर के युद्ध में, जहां उन्होंने बंगाल के मीर कासिम, अवध के शौजा उद्दौला और मुगल किंग शाह आलम टू की एक जॉइंट फोर्स को हरा के जीती थी। उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ ट्रेड मोनोपोली इंजॉय नहीं कर रही थी, बल्कि एक रूलिंग कंपनी के रूप में उभर कर आ चुकी थी। और धीरे धीरे दोस्तों ये इंडिया में ग्रो करती रही और फिर इसके अगेंस्ट 1857 में रिवॉल्ट शुरू हुआ भारत के उन सिपाहियों द्वारा जो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे थे और उनसे काफ़ी परेशान भी आ चुके थे। दोस्तों, इस रिवॉल्ट 1857 को इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। इस रिवॉल्ट से हमारा एक फेमस फ्रीडम फाइटर भी निकल कर आया जिनका नाम था मंगल पांडे।
जिन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 के चलते हुए ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स पर अटैक काफी बार किया था और इसके लिए ही उन्हें ब्रिटिशर्स द्वारा मार भी दिया गया था। यही नहीं, दिल्ली और इंडिया के लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर की जो राजगद्दी थी उन्हें वहां से भी हटा दिया गया और बहादुर शाह जफर के दो बेटों मिर्जा मुगल और मिर्जा खिजर सुल्तान और उसके पोते मिर्जा अबू भक्त को खूनी दरवाजा, जिन्हें हम आज के समय में जानते हैं, वहां उनको मार दिया गया था। इसके कर्ता धर्ता थे विलियम हॉडसन। दोस्तों, रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक अच्छी शुरुआत थी मगर अनसक्सेसफुल रही। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज रिवॉल्ट 1857 के बाद जो देखने को मिला वो यही था कि इसके बाद से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो खत्म हो गया था और पूरी तरह से भारत के अंदर क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था, यानी कि वी ऑफिशियली बिकेम कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी, पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।